हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हमारा पार्ट चल रहा था उसके अंतर्गत ये आपका चौथा लेक्चर है आपका। इससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स एवं स्टार्टिंग में जो पार्शियल डिफरेंसेस से संबंधित जो बातें थी वो हमने वहाँ पर की थी। वहाँ पर तो आज ये आपका चौथा लेक्चर है और ये एग्जाम्पल नंबर 8 तथा कुछ और एग्जाम्पल्स एवं अनसोल्व क्वेश्चन से रिलेटेड होगा यहाँ पर। तो हमारे एग्जांपल नंबर 8 में आपको प्रूव करना है इस तरीके से कि जेड इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस ए वाई एंड फाई एक्स माइनस ए वाई। कि इसमें जेड एक फंक्शन है जो कि खुद अपने आप में दो अंदर इसके और फंक्शन है, एक एफ फंक्शन और एक फाई फंक्शन। तो उन दोनों के अंतर्गत आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है आपका, ठीक है। तो जब बात आती है कि हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन में तो हमें जो फंक्शन यहाँ पर दे रखे हैं यानी एफ तथा जो फाई हमें दिया गया है ये क्या है, जनरल फॉर्म के फंक्शन है। यहाँ पर जो हमें f तथा जो फाई दे रखे वो क्या है, जनरल फॉर्म के फंक्शन है। ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपने पहले पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा कि एफ एक्स को हम इस तरीके से लिखते थे कि जैसे हमारे पास इस तरीके का कोई फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब। वहां पर आपने यही देखा होगा, वहां पर आपने यही चीज आपने समझी होगी कि एफ एक्स के अंतर्गत केवल वेरिएबल एक्स ही आएगा, उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं आएगा कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू किसके कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए कि वाई के टर्म्स भी वहां पर शामिल हो जाए। अब ऐसा हम क्यों लिखते हैं ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि हम बात कर रहे हैं एफ एक्स की, तो एफ एक्स जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म है कि कोई फंक्शन एफ है जिसमें अंदर की जो सारे टर्म्स है वो एक्स की फॉर्म की है, यानी इसमें जितने भी जो पद होंगे यहाँ पर इस फंक्शन के अंतर्गत उन सभी पदों में जो केवल और केवल वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। अब वो उसका कैसा रूप आता है ये तो क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है यहाँ पर। तो हमारे पास की एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंतर्गत एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस एक्स क्यूब यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो हमने इसको किस रूप में लिख दिया था, एफ एक्स के रूप में यहाँ पर। अगर यदि मेरा कोई फंक्शन ऐसा होता कि साइन वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई फोर इस तरीके का, तो मैं इसको कैसे लिखता, एफ वाई के रूप में मैं इसको लिखता, क्योंकि अंदर के जो सारे वेरिएबल्स हैं वो किस रूप में आए हैं, y की फॉर्म के आए हैं। और यदि मेरा कोई फंक्शन ऐसा होता कि साइन 4x प्लस 2 e की पावर 4x प्लस 2 प्लस cot 4x प्लस 2 इस तरीके से, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर कि अंदर के जितने भी जो वेरिएबल्स के जहाँ स्थान है यानी साइन के अंतर्गत जो वेरिएबल्स होगा वो यहाँ पर आता है। तो हमने देखा कि जो वेरिएबल्स है वो सदैव किस रूप में आए हैं यहाँ पर, 4x प्लस 2 4x प्लस 2 4x प्लस 2। तो इसको इंडिकेट करने के लिए मैं क्या यूज में लूंगा, 4x प्लस 2 कि f इज द फंक्शन ऑफ 4x प्लस 2 कि f एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं वो सब किस रूप में आई है, 4x प्लस 2 के रूप में। तो उसी के तहत आपको जो f तथा जो फायदे रखे हैं वो हमें जनरल फॉर्म के फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि हमारे पास इनका रूप जो प्रदर्शित होना चाहिए था वो तो हमें दे नहीं रखा है, सीधा जनरल सा चीज आपको बताई गई है यहाँ पर कि f एक फंक्शन है जिसके अंदर की जो सारी टर्म्स है वो किसकी हैं, x प्लस ए वाई, और फाई एक फंक्शन है जिसके अंदर की जो सारी टर्म्स है वो कौन सी है, फाई एक्स माइनस ए वाई रूप की यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें सबसे पहले एल एच एस प्राप्त करना है, उसके बाद हमें क्या प्राप्त करना है, आर एच एस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एल एच एस, LHS को आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि LHS Z का विद रेस्पेक्ट टू Y टू टाइम क्या कर रखा है, डिफरेंशिएशन कर रखा है यहाँ पर। तो इस बात को हम देखें थोड़ा सा समझे इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल अपॉन डेल वाई एंड अगेन डेल जेड अपॉन डेल वाई, कि यदि मुझे डेल जेड अपॉन डेल वाई मिल जाए तो उसका मैं वाई के रेस्पेक्ट में दोबारा कर दूँ तो मुझे LHS जो कहते हो मिल जाए। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई तो आप प्राप्त कर सकते हो क्योंकि ऊपर क्या लिखा गया है, आपको जेड दिया गया है, तो जेड का विद रेस्पेक्ट टू वाई आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। तो जेड का हमें क्या करना है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो करो जेड का आंशिक अवकलन। तो सबसे पहले किसका करना पड़ेगा, हमें पहले वाले का। अब ये व्यापक पद में आपको फलन दे रखा है तो हमें इसका कोई रूप तो है नहीं, तो हमने क्या लगा दिया, इसका अवकलन के रूप में उसके क्या लगा दिया, सिर्फ डैश। डैश का मतलब क्या हो गया, इसका एक बार अवकलन हो गया। अब एक बार अवकलन सिर्फ एफ फंक्शन का हुआ है यानी एफ में जो टर्म्स होंगी उन सभी का हुआ है, लेकिन हमने देखा कि अंदर की टर्म्स फिर से एक अलग रूप में है यहाँ पर, कि जो केवल वो एक्स की फॉर्म की नहीं है या केवल वाई की फॉर्म की नहीं है, वो खुद एक अलग रूप की है वहां पर। तो उस रूप के कारण आपको फिर से एक बार इसका करना पड़ेगा, तो फिर से करूंगा वाई के सापेक्ष, तो इसका तो क्या हो जाएगा, पहले का तो जीरो और दूसरे से क्या मिलेगा आपको ए, यानी ये आपको अंदर और प्राप्त होगा। फिर बाद में फिर से देखा फाई का किया तो फाई का कितना हो गया,
5x x माइनस ए वाई, और यहां से देखा दोबारा इसका तो क्या आ गया जीरो माइनस का, ठीक है छोड़ दिया इसको यहां पर, हमें तो एक बार और करना है क्योंकि हमें y का सिंबल एक बार और लगा हुआ है, तो एक बार और करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा डेल टू वो y पहले से लगा हुआ है तो एक बार फिर से करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा f डैश पहले से, अब की बार कितना आ जाएगा f डबल डैश, और यहां से आपको प्राप्त होगा x प्लस ए वाई, और जब अगेन मैं इसका करूंगा तो a फिर से मिलेगा, a पहले से तो दोनों मिलकर कितने हो गए ए स्क्वायर हो गए यहां पर, और आगे मैं यहां पर देखूं तो मुझे कितना मिलेगा फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, माइनस का ए पहले से माइनस का ए दोबारा, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे प्लस के ए स्क्वायर, कंप्लीट में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्योंकि वो दोनों के साथ है, तो दोनों के साथ से मैंने क्या कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, इसको ले लेता हूं मैं ए पार्ट के द्वारा, ठीक है कि जो मैंने LHS जो निकाला उसको मैंने क्या ले लिया ए पार्ट के द्वारा। अब मुझे RHS प्राप्त करना है, RHS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा RHS के लिए आपको क्या प्राप्त करना पड़ेगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स एंड अगेन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स, इसको तो बाहर रहने दो, अंदर वाला जो ये वाला पद है इसको आप ज्ञात कर सकते हो, अंदर वाला पद क्या लिखा गया है कि जेड का एक्स के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन, तो कीजिए तो एक्स के सापेक्ष में इसका एक बार आंशिक अवकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा सबसे पहले एफ डैश और आ जाएगा एक्स प्लस ए वाई, और जब एक्स प्लस ए वाई को फिर से करेंगे तो एक्स का करने पर क्या मिलेगा वन, और वाई यहां पर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आंशिक अवकलन कर रहे हैं, और आंशिक अवकलन के अंतर्गत जिस वेरिएबल के सापेक्ष करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं कॉन्स्टेंट। आगे बढ़े यहाँ पर तो फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, और जब एक्स माइनस ए वाई का फिर से किया तो कितना आ गया वन, एक बार कर चुके हैं एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा ये यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा दोबारा यहाँ पर अवकलन, तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और जब एक्स प्लस ए वाई का फिर से किया तो वन, फाई का भी इसी प्रकार से फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा वन। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो आपको पद मिला है यहाँ पर जो हम ये पद देख रहे हैं यही पद आपका समीकरण एक के द्वारा है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको बराबर क्या हो जाएगा कि जो हमने आर एच एस जो हमने बराबर लिया है वो किसके बराबर हो गया एल एच एस के बराबर, इम्प्लाइज दैट एल एच एस यानी आर एच एस बराबर एल एच एस, यही आपको प्रूव करना था, आपको यही दिखाना था इस क्वेश्चन में कि ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 के अंतर्गत आपको समझना है यहां पर वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल r एंड रिलेशन दे रखा है r का फिर तीन वेरिएबल्स के साथ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, सॉरी दो के साथ ही दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, और आपको सिद्ध करना है यहां पर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर है एफ डबल डैश आर प्लस वन अपॉन आर एफ डैश आर, ठीक है ये आपको यहां पर सिद्ध करना है। आपको दोबारा फिर से समझिए यहाँ पर कि हमें जो फंक्शन दे रखा है u, हमें u के लिए करना है कि u का विद रेस्पेक्ट टू x आपको करना है, लेकिन आपको ये समझना है कि होगा कैसे यहाँ पर ही। हम जानते हैं कि जो u है वो तो केवल स्वतंत्र चर r का फलन है, लेकिन r का रिलेशन कहाँ पर दिखा दिया कि r इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, कि r जो फंक्शन है वो दो स्वतंत्र चरों का x तथा y का क्या है खुद से एक अलग से नया फंक्शन है यहाँ पर, कि जो u है वो तो किसमें केवल स्वतंत्र चर r में फलन है, लेकिन जो r है वो भी वास्तव में x और y का क्या है अलग से स्वतंत्र फलन है यहाँ पर, ठीक है।
तो हमारी जब बात आती है तो हमने देखा यहाँ पर कि यदि आर को मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई लिखना चाहूं तो मैं आर की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम देख क्या पाएंगे कि यू भी किसका फंक्शन हो गया, वेरिएबल एक्स तथा वाई का फलन हो गया। तो यहाँ पर क्या हमने समझा कि यू में दो स्वतंत्र चर हैं, कौन कौन से, एक्स तथा वाई। तो जब ऐसी जब बात आ जाती है कि जब हमारा एक ही फलन दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों का फलन होता है तब वहां पर हम कौन सा अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका आंशिक अवकलन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले प्राप्त करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहां पर क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको आंशिक अवकलन प्राप्त करना है। तो करो इसका, एक बार इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश आर आ जाएगा, जो पिछले क्वेश्चंस में आपको जैसा बताया था वैसे कि ये एक व्यापक रूप में फलन है जिसके अंदर की सारी टर्म्स आर की हैं, लेकिन आर भी किसके अंतर्गत है, एक्स और वाई के अंतर्गत है यहाँ पर। तो हमने इसका तो सिर्फ कितना कर दिया कि एफ डैश आर हो जाएगा, लेकिन क्या देखा कि आर भी आगे और अवकलन किया जा सकता है आर का भी, और किसके सापेक्ष किया जा सकता है, एक्स के सापेक्ष भी कर सकते हो और वाई के सापेक्ष भी कर सकते हो। हमें प्रेजेंट में किसके लिए आवश्यकता है, एक्स के लिए, तो क्या करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है वो तो यहीं पर कंप्लीट हो गया, यानी इसको आगे तो हम नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि क्या करोगे बताओ डेल आर अपॉन डेल एक्स का। अब बात तो ये हो कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का हम मान लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं यहाँ पर कि आर कुछ और रूप में उसका हम अवकलन कर सको एक्स के सापेक्ष। तो वो चीज हमें कहां से मिलेगी, ये यहाँ से। तो हम जानते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम जानते हैं कि चूंकि आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका यदि मैं एक्स के सापेक्ष यदि अवकलन कर दूं आंशिक अवकलन, तो मुझे क्या प्राप्त होगा यहां से कि 2r डेल r अपॉन डेल x बराबर क्या हो जाएगा 2x, बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2x। दो से दो काट दिए मैंने यहां पर, और फिर से इसको लिखा तो डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल टू x अपॉन r, यानी डेल r अपॉन डेल x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x अपॉन r लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से मुझे जरूरत किसकी होगी, डेल आर अपॉन डेल वाई की जरूरत होगी जब मैं इसका करूंगा, तो मैं उसको भी यहां लिख लेता हूं ताकि मुझे दोबारा फिर से नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि मुझे डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई अपॉन आर आ जाएगी। हाँ, समझ जाओगे इसको कैसे, क्योंकि जैसे ही आप इसका वाई के सापेक्ष करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, वाई अपॉन आर यहाँ पर, ठीक है। तो हमें जहां पर जरूरत होगी डेल आर अपॉन डेल एक्स की, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन आर, और जहां जरूरत होगी इसकी तो वहां क्या लिख देंगे, वाई अपॉन आर। तो जब आगे आएगा तो हम इस चीज को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहां रखो आप यहां पर, तो एफ डैश आर रख दिया इसका मान, तो क्या आ गया एक्स अपॉन आर, हो गया काम, ठीक है। अब ये एक बार ही हुआ यहां पर, हमें तो इसका दो बार प्राप्त करना है, तो दो बार प्राप्त करने के लिए अगेन इसका क्या करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, पुनः आंशिक अवकलन करने पर, पुनः आंशिक अवकलन करने पर, तो पुनः आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहां देखो, यहां दो फलन है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है तो वास्तव में आप इसका दो तरीके से कर सकते हो कि ऊपर वाले को यू डॉट भी मानो और फिर जब ऊपर आ जाए उसको फिर नीचे वाले को भी मान लो यहां पर, लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि मैं इसको एक फलन मान लूं, इसको दूसरा मान लूं और यू डॉट वी का नियम मैं यहां पर लगा दूं यहां पर, ठीक है। तो वही मैं काम मैं यहां पर कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने इसका किया तो कितना आ गया एफ डबल डैश आर, ठीक है। फिर आर का फिर से करना पड़ता है तो आप जानते हो कि डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया पहले का काम, दूसरे वाले को छोड़ दिया जाता है तो छोड़ दिया, अगेन पहले वाले को छोड़ दो तो पहले वाले को छोड़ा तो ये ऐसा था, और जब इसका करूंगा तो यहां पर देखो इसका किससे करूंगा मैं, कि u अपॉन v वाले फॉर्मूले से कर सकता हूं, क्योंकि ऊपर तो x विद्यमान है, नीचे r में भी क्या विद्यमान है, x विद्यमान है, तो मैं इसका किससे करूंगा, u अपॉन v वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है तो r को छोड़ दिया, ऊपर वाले का किया तो 1 हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह आता है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर x को छोड़ दिया और जब r का किया तो कितना हो गया डेल r अपॉन डेल x, और नीचे जो हर होता है उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा इसका क्या हो गया, दूसरी बार जो आंशिक अवकलन है वो हमने इसका कंप्लीट कर दिया। अब जहां जहां जो चीजों की जरूरत होगी वहां उनको रखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले आप रखोगे डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान, वो कितना आएगा यहां से एक्स अपॉन आर, तो हमारे पास हो गया कि एफ डबल डैश आर और साथ में एक्स अपॉन आर दोनों मिलकर के हो गए एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गए। और आगे बढ़े यहां पर,
तो एफ डैश आर, यहां से देखा आर माइनस आर तो पहले का x, और यहां से कितना आ जाएगा x अपॉन r। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, और नीचे क्या था r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को r स्क्वायर लिख लिया। ये जो डेल r अपॉन डेल x है उसका मान भी हमने क्या लिख लिया, x अपॉन r लिख लिया, और सॉल्व किया यहां पर, तो f डबल डैश r x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहां से इसका एलसीएम ले लिया विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या आ जाएगा f डबल f डैश r, और क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा r क्यूब, सही है, r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब देखिए आगे f डबल डैश r x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहां से देखिए r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का भी एक मान होता है, और वो क्या होता है r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ f डैश r डॉट y स्क्वायर अपॉन r क्यूब, हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम एक रिजल्ट के रूप में ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वाले को हम क्या मान लेते हैं, एक रिजल्ट मान लेते हैं हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान क्या होता है y स्क्वायर, तो हमने इसको y स्क्वायर के रूप में लिख दिया, ठीक है। एक काम आप और कर सकते हो कि यहाँ से नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हो, r स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया कि f डबल डैश r साथ में क्या आ गया x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया f डैश r y स्क्वायर अपॉन r, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या ले लेते हैं हम, एक नंबर, क्योंकि हमें दो रिजल्टों की जरूरत है, एक तो किसकी कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, और एक जरूरत है हमें किसकी, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की। यहाँ पर ठीक है, अब देखिए आगे आगे हम चले यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट के लिए। तो दूसरे वाले पार्ट के लिए आपको लिखना है यहाँ पर, तो उसके लिए कैसे लिख पाएंगे इसको, अब आप एक बात समझो यहाँ पर, जब आप x के लिए आपने किया तो यहाँ पर कोई x की पावर कोई अलग से नहीं थी, जितनी पावर जो x की थी उतनी पावर y की है, जितनी पावर पहले r के लिए थी उतनी पावर अब है, ये फंक्शन भी जो कहते हुए कि u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल r, तो वो भी जो कहते हुए, तो यहाँ पर एक सिमेट्री नियम लागू होता है, और वो हमारे समय की बचत कर पाता है उससे हमें, कि जब हमने x के लिए किया तो वही प्रोसेस y के लिए होगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों वेरिएबल स्वतंत्र है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर, सिमेट्री के नियम से हम यही कार्य किसके लिए कर सकते हैं, y के लिए भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होगी हमारे समय की बचत होगी, क्योंकि यदि हम इसी प्रोसेस को आगे दोहराएं तो बड़ा लेंथी हो जाता है यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर सम्मितता नियम से, सम्मितता नियम से हम इसको कैसे लिखेंगे, सम्मितता से, सिमेट्रिक नियम से, बाय सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नियम से कैसे लिख सकते हैं y के लिए इसको, कि हमें चाहिए तो हम लिखेंगे डेल टू y अपॉन वो डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के लिए क्या होगा, देखो यहाँ से समझिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर आपका पहले की तरह, यहाँ ये क्या आ जाएगा एफ डबल डैश आर, और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर की जगह ये चेंज हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि जब एक्स के लिए करते हैं तो एक्स आया था, और वाई के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा प्लस का एफ डैश आर, और क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर अल्टर दोनों चेंज होंगे कि जब x के लिए किया तब ये ऐसा आया था, अब की बार यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको f डैश r अगेन, ये क्या हो जाएगा आपका चेंज होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन r में, तो इस तरीके से ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दूसरा रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों में से r स्क्वायर कॉमन आ रहा है 1 अपॉन r स्क्वायर, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, ऐसा करने पर अंदर के दोनों पद जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको f डबल डैश r x स्क्वायर, और इधर को क्या मिल रहा है f डबल डैश r y स्क्वायर, तो दोनों में से किसको कॉमन ले लिया f डबल डैश r को, तो अंदर क्या रहा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो पहला पद हो गया। उसके बाद दूसरे वाले पद में क्या कॉमन मिलेगा आपको कि f डैश r
अपोन आर, तो इसको कॉमन ले लिया, किसको एफ डैश आर अपोन आर को कॉमन ले लिया, तो एक जगह तो रहा एक्स स्क्वायर और एक जगह क्या रहा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, इनका मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो इसका मान पता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आता है आर स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, ये आ गया आपका एफ डबल डैश आर, और यहां कितना प्राप्त हो गया आपको आर स्क्वायर। आगे गए तो आगे आपको यहां कितना प्राप्त हो गया एफ डैश आर, और ये भी कितना हो गया आपका आर स्क्वायर और नीचे आर। ठीक है, अब आप आर स्क्वायर से अंदर वाली टर्म्स को यदि मल्टीप्लाई करो, इसको जो बाहर आपके अपन अपॉन आर स्क्वायर लगा हुआ इससे अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो कितना प्राप्त हो जाएगा एफ डबल डैश आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल यहाँ पर। ठीक है, दूसरे वाले को देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का एफ डैश आर अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा तीसरा समीकरण जो भी हमारा है यहाँ पर वो। तो फाइनली हमें जो चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया, तो इसी तरीके से आपको प्रूव करना था इसको कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, तो यही हमें यहाँ पर दर्शाना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, नोट कर लीजिए एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अनसोल्ड क्वेश्चंस की। अनसोल्व क्वेश्चंस में से आप सबसे पहला देखिए, आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन से, प्रूव दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स फॉर द फॉलोइंग निम्न के लिए आपको ये जो कॉम्यूटेटिव जो क्रम इनमें होते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर्स पार्शियल डिफरेंशिएशन कि चाहे y के लिए करो फिर उसके बाद x के लिए करो, चाहे पहले x के लिए करो उसके बाद फिर y के लिए करो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है निम्न प्रश्नों के लिए। इसमें से जो पहला प्रश्न है वो है आपका u इक्वल टू log y प्लस साइन x प्लस x साइन y, दूसरा है इसको हम b से लिख रहे हैं u इक्वल टू x की पावर x, तीसरा है c x साइन y प्लस y प्लस साइन x, d है
u इक्वल टू e की पावर mx cos mx, e है u इक्वल टू 1 अपॉन रूट y e की पावर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4y, f है u इक्वल टू x क्यूब y क्यूब प्लस 3axy। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को कोशिश करना, मैं इनमें से आपको एक क्वेश्चन यहां पर बताता हूं। तो हम लेते हैं जो e वाला हमारा जो पार्ट है, इसी को सबसे पहले कर लेते हैं, e वाले को, ये e वाला हमारा पार्ट है, इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं यहां पर। तो e वाले पार्ट में आपको दे रखा है कि u इक्वल टू e की पावर mx cos mx। ठीक है, हमें क्या करना है कि u का विद रेस्पेक्ट टू पहले x करना है, फिर y करना है, और दूसरे वाले में क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू y करना है पहले, फिर x के लिए करना है यहां पर। ठीक है, तो चूंकि डेल u अपॉन डेल x या डेल y जो हमें सबसे पहले चाहिए, तो हमने पहले y के लिए किया, तो y के लिए कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वाले में x के लिए कर लेंगे। तो डेल u अपॉन डेल y, तो u का y के सापेक्ष आपको क्या करना है, आंशिक अवकलन। तो कीजिए, तो y यहां पर भी उपस्थित है और इस फंक्शन के अंदर भी उपस्थित है, तो हम इसको किससे करेंगे, u डॉट v से। तो सबसे पहले हमने किसको छोड़ दिया, पहले वाले को, कि जो 1 अपॉन रूट y था उसको हमने छोड़ दिया। इस वाले का किया तो जानते हैं e की पावर माइनस x का क्या हो जाता है, माइनस e की पावर जो भी हमारा रिजल्ट है वो, तो माइनस e की पावर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4y। ठीक है, अब हम इस वाले टर्म्स का फिर से करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो इसका करेंगे तो यहाँ देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ किसका करना पड़ेगा, 1 अपॉन 4y स्क्वायर का, और 1 अपॉन 4y स्क्वायर का कितना हो जाएगा कि माइनस का 1 अपॉन 4y स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, इसकी पावर एक और बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमने दूसरे वाले का कर दिया, बीच में प्लस का चिन्ह अब की बार पहले वाले का करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास 1 अपॉन रूट वाई है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ कि y की पावर माइनस का 1/2 मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, और जब उसका करूंगा तो माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, और y की पावर माइनस का 1/2 और माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2, और बाकी पद जो कहते हो e की पावर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4y हो गया। ठीक है, अब देखिए दोबारा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो चीज कॉमन आती है उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो कॉमन लेने के लिए एक तो देखो ये पद जो कहते हो कॉमन आ रहा है, तो इसको सबसे पहले आप कॉमन लीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया, एक तो कौन सा आ रहा है कि 1 अपॉन रूट वाई, और साथ के साथ इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास आ गया e की पावर माइनस, मैं यहां लिख देता हूं उसको यहां पर, हम क्या कॉमन लेते हैं यहां पर, e की पावर माइनस का x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4y हो गया, ले लिया कॉमन ही। तो क्या बचा है यहां पर, यहां पर तो बचा हमारे पास क्या कि माइनस माइनस दोनों मिलकर हो गए प्लस, एक तो बचा हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर, एक तो ये बच गया, एक क्या बचा है यहां पर कि 4y स्क्वायर, और यहां पर y की पावर कितनी है, 1/2, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 4y की पावर 5/2 हो गए यहां पर। तो दूसरा पद हमारे पास ये बचा है यहां पर, इसमें हो गया कंप्लीट यहां तक। आगे वाले में देखो ये चीज आप कॉमन ले चुके हो, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 1/2 y की पावर 3/2 ये हमारे पास रहा यहां पर। ठीक है, अब हमें किसके लिए करना है इसको, कि जो भी हमारे पास पद मिला है उसका भी किसके लिए करना है, अब x के लिए यहां पर करना है। तो दोबारा यहां पर पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहां से, तो यहां से देखिए डेल 2u अपॉन डेल y के सापेक्ष पहले कर चुके हैं, अब किसकी बात साथ कर रहे हैं, x के सापेक्ष,
और x के सापेक्ष करेंगे तो हमारा फंक्शन तो यही है। तो एक फंक्शन तो यहाँ है जिसमें x विद्यमान है, एक फंक्शन यहाँ है जिसमें x विद्यमान है, तो इसको भी हम u डॉट v से ही करेंगे। तो पहले इसको u मान लेता हूँ मैं, तो u को छोड़ दिया, यानी e की पावर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4y छोड़ दिया। v v वाले का करो यहाँ पर, तो v वाले में देखो पहले वाले पद को देखा जाए तो पहले वाले पद में नीचे तो क्या है, वाई है, तो वाई हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको तो छोड़ दिया, यहाँ से इस वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस a, और जब अंदर x माइनस a का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा 4y की पावर 5 बटे 2। यहां से देखिए यहां से इसका कंप्लीट का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कहीं पर भी क्या नहीं है, x नहीं है, बीच में प्लस का चिन्ह, तो आपकी बार प्लस का चिन्ह, आपकी बार पहले वाले का करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, तो पहले वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक है, हो गया। फिर देखिए आगे, और जब इस वाले का करेंगे यहां पर x के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा x माइनस ए डिवाइड बाई 4y, और साथ में कितना आ जाएगा गुणा 2, क्योंकि x x माइनस ए का होल स्क्वायर, और उसका कितना हो जाएगा 2x माइनस ए, और नीचे 4y, तो 4y हमने यहां पर ले लिया, हो गया। तो हमने पहले वाले को छोड़कर जब दूसरे का किया तब ये आया, और जब दूसरे वाले को छोड़कर किया पहले वाले का तब ये आया। आगे के टर्म्स क्या रहेंगे यहाँ पर, ये वाले x माइनस ए का होल स्क्वायर 4y 5 बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 वाई की पावर 3 बाई 2, ठीक है। अब अरेंज करेंगे, जो चीज कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो एक तो देखो दोनों में से वही पहले वाला पद कॉमन आ सकता है, ये वाला जो कहते हो, तो e की पावर x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ये कॉमन आ सकता है, सबसे पहले इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पर पहले वाले पद में तो क्या रहा, दो से इसको कैंसिल करने पर ये रहा हमारे पास x माइनस ए y की पावर 5 बटे 2, ये रहा यहाँ पर। दूसरे वाले में देखो माइनस का चिन्ह एक है यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह को छोड़ दिया, दो से इसको भी कैंसिल किया, तो ये भी कितना आ गया x माइनस ए अपॉन 4y, ठीक है। और अंदर वाले में क्या रहा यहाँ पर, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y की पावर 5 बटे 2 माइनस का 1 अपॉन 2 y की पावर 3 बटा 2, इस तरीके से, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, क्योंकि हमें तो LHS बराबर RHS देखना है यहाँ पर, तो इसको यहीं छोड़ दें यहाँ पर, कोई आपको काटने छाटने कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। और यदि आप कॉमन ले सको तो इसमें से एक पद कॉमन और ले लो, एक पद कॉमन कौन आ सकता है, x माइनस ए अपॉन 4y नीचे से कॉमन और आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको दो से कैंसिल करने पर दो और बचेगा, तो दो और हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ से भी हमने इसको दो से काटा था, तो यहाँ पर कितना बचा था, दो और बचा था यहाँ पर, ठीक है। तो एक चीज कॉमन और आ सकती है, तो उसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमने देखा कि इस वाले में से हमारे पास पूरा पूरा वाई की पावर 5 बटे 2 कॉमन आ सकता है यहाँ से कंप्लीट से, तो इसको भी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गए एक्स माइनस ए की पावर x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y, ठीक है। अंदर क्या रहा है यहाँ पर, अंदर हमारे पास रहा यहाँ इसकी जगह तो क्या रहा 1, पूरे में से इसकी जगह क्या रहा 1, क्योंकि साथ के साथ हमने इसको भी कॉमन ले लिया था, x माइनस ए अपॉन 2y की पावर 5 बाई 2, ये भी हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास कितना रहा 1। अंदर देखिए यहाँ से दो भी चले गए, y की पावर 1 भी चलेगी, लेकिन अंदर से कितना लेना और पड़ता हमें 3 बटे 2, तो क्योंकि तब जाके कितना बढ़ेगा y की पावर 5 बटे 2 बनेगा, तो ये तो चले गया, तो यहाँ से कितना रहा हमारे पास, हमारे पास रहा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना रहा, यहाँ हमारे पास रहा 4y, क्योंकि जो 5 बटे 2 था उसमें से हम 3 बटे 2 ले चुके हैं कॉमन, तो कितना रहा 4y, और यहाँ पर कितना रहा माइनस का 1 बटा 2, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये शेष रिजल्ट रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए था x माइनस ए अपॉन 2y की पावर 5 बटे 2, तो हमने साथ में ले लिया, तो यहाँ तो कितना रहा 1, यहाँ से x माइनस ए तो चले गए, यानी ये तो हमें प्राप्त हो गया, नीचे चाहिए था हमें 2 गुणा, तो 2 भी यहाँ से मिल गया। अब हमें चाहिए था y की पावर 5 बटे 2, तो 1 तो यहाँ से था और 3 बटे 2 और होना चाहिए, तो 3 बटे 2 हमने कहाँ से ले लिया, यहाँ से, तो यहाँ से ले लिया, तो यहाँ तो रहा 1, और यहाँ से 3 बटे 2 कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ से कितना रहा 1, तो यहाँ से हमारे पास कितना रहा 4y, ठीक है। और इसको यदि आप सॉल्व करना चाहो तो 1 बटे 2 के साथ और कर सकते हो,
ठीक है। तो एक लाइन और लिख लेते हैं कि x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y, और यहां कितना आ जाएगा x माइनस ए 2y की पावर 5/2, 2y की पावर 5/2, y की पावर है 5/2। यहां कितना आ जाएगा 1 और माइनस का ये नेगेटिव वजह से किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3/2 माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y। तो इसको मैं ले लेता हूं ए पार्ट। अब मुझे प्राप्त करना है इसका बी पार्ट। बी पार्ट का मतलब क्या होगा कि हमें इसका जो कॉम्यूटेटिव जो इसको देखना था कि चाहे पहले x के लिए करो चाहे y के लिए करो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसका हमने एक भाग तो कर लिया, अब दूसरा भाग और करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए अब की बार हम किसके लिए करेंगे, सबसे पहले x के लिए करेंगे, फिर उसको प्रूव करना है कि y के लिए करो चाहे x के लिए करो उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता। उन्हें तो आपकी बार हमने प्राप्त किया कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, कि सबसे पहले आप इसका x के सापेक्ष करो, तो x के सापेक्ष करेंगे तो यहां से देखिए ये रहेगा पूरा कांस्टेंट, यानी 1 अपॉन रूट वाई तो रहा कांस्टेंट। फिर हमने इस वाले का किया तो कितना आ गया कि माइनस का क्या e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y, और जब इस वाले का किया तो कितना आ गया यहां से आ जाएगा 2x माइनस ए डिवाइडेड बाई 4y। इस तरीके से सोल्व कीजिए, थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 2 गुना माइनस का भी साथ के साथ 2 गुना एक्स माइनस ए, 2 से इसको कैंसिल कर दे तो 2 आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स माइनस ए अपॉन 2y। अब वाई की पावर एक तो यहाँ से आधा यहाँ से, तो टोटल कितनी होगी 3/2, तो वाई की पावर कितनी आ गई 3/2, ठीक है। और क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहा क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स का हल करने के बाद। यहाँ पर अब हमें किसका सापेक्ष करना है, अगर पुनः तो पुनः एक्स के सापेक्ष, पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आपके पास किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए जहां जहां y है वो सॉरी y के सापेक्ष, क्योंकि हम x के सापेक्ष ऑलरेडी कर चुके हैं, तो किसके लिए करना है प्योर हमें y के लिए यहां पर, तो पुनः y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो जहां जहां x होंगे वो पद क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट, और जहां y होंगे वो पद हमारे क्या होंगे वेरिएबल्स। यहाँ तो कीजिए इसका आपकी बार y के सापेक्ष यहाँ पर, तो y के सापेक्ष करने के लिए हम इसको लिखेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो y के लिए करेंगे तो x का पद हमारे पास क्या था माइनस का x माइनस ए, तो इसको तो मैंने क्या ले लिया बाहर ले लिया, यहाँ पर अंदर देखिए जो बटे दो था इसको भी ले लिया यहाँ पर, तो एक तो हमारे पास y टर्म्स यहाँ रही और एक यहाँ रही यहाँ पर, तो u डॉट v से इसको करेंगे, पहले हमने पहले वाले को छोड़ दिया यानी किसको y की पावर जो 3/2 था इसको छोड़ दिया, और इस वाले का किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 e की पावर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक है माइनस e की पावर इस तरीके से, और जब अगेन इसका किया तो कितना आ जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस ए का तो आ जाएगा होल स्क्वायर, और इस वाले से हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो x है y है ही नहीं, और नीचे वाले का जरूर होगा यानी किसका होगा 1 अपॉन y का, और 1 अपॉन y का कितना हो जाता है माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर, तो उसकी वजह से कितना आ गया माइनस और साथ में कितना आ गया y स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बार क्या करेंगे पहले का करेंगे यानी किस वाले का इस वाले का करेंगे यहाँ पर, तो इस वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो y की पावर जो 3/2 थी वो ऊपर चले जाएगी नेगेटिव में, तो y की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, और जब उसका करेंगे तो माइनस का 3/2 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 5/2, ठीक है। तो ये हमारा इसका अवकलन हो गया, अरेंज करें इसको तो माइनस का x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहां से इसको ना एक पर छोड़ दिया था तो इसको हमें दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले को ही लिखा दूसरे को नहीं लिखा, तो क्या था वो e की पावर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये था हमारा y। अब बंद करो बेटे।
तो ये हो गया हमारा यहाँ पर माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन टू। यहां से देखिए नेगेटिव यहां पर है, नेगेटिव यहां पर है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, और साथ के साथ रिजल्ट रहा हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, यहां से देखिए कितने आ गए, y की पावर 2 और यहां से कितना रहा y की पावर 3/2, तो दोनों मिलकर कितने हो गए यहां पर एलसीएम लू तो कितने हो गए y की पावर 7/2, तो y की पावर हमें 7/2 यहां पर प्राप्त हो गई, और साथ के साथ क्या मिल गया e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y, बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह ले लिया 3/2 और y की पावर कितना प्राप्त हो जाएगा 5/2, y की पावर कितना प्राप्त हो जाएगा 5/2 यहाँ पर, ठीक है। और क्या रहेगा e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y यहाँ पर, ब्रैकेट बंद। जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, अब कॉमन इस तरीके से लो ताकि हमारा जो ये रिजल्ट है वो भी लगभग लगभग हमें क्या प्राप्त हो, सेम प्राप्त हो यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारा जो पहले वाला रिजल्ट है और ये वाले रिजल्ट में क्या मिले, हमें समानता मिले यहाँ पर। तो एक तो सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पर कॉमन, एक तो सबसे पहले कॉमन आना चाहिए था क्या, e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ये कॉमन आना चाहिए था, तो ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर सर्वप्रथम। उसके बाद क्या होगा, और क्या आना चाहिए था हमारे, हमारे आना चाहिए था एक्स माइनस ए अपॉन 2y की पावर 5/2, ये दो चीजें हमारे पास कॉमन आनी चाहिए थी। तो ये तो जो पद है ये तो इजी वे में आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, y की पावर 5/2 भी नीचे से प्राप्त हो जाएगी, और x माइनस ए हमारे पास एक पावर में चाहिए था तो हमें प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी जो माइनस का चिन्ह वो हमें जरूरत नहीं थी, फिर भी हमारे पास ये आ रहा है, तो क्यों ना इसको दोबारा अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अंदर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमने एक चीज छोड़ दी यहाँ पर, ये जो फोर था वो हमने छोड़ दिया था, तो फोर भी यहाँ पर था, यहाँ देखिए फोर था नहीं, ये फोर हमने नहीं लिखा, तो इस वजह से क्या था यहाँ पर फोर, तो नीचे क्या बचा बाद में 4y, ठीक है। तो ये पद जैसा आपको प्राप्त हुआ है मैं इसको क्या ले लेता हूँ बी, तो ए व बी से, ए व बी से, तो ए व बी से हमने क्या देखा कि ए बराबर क्या मिला है आपको बी, अर्थात डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और यही आपको यहाँ पर ये प्रूव करना था कि जो पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं या जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है वेरिएबल्स के लिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, कि चाहे पहले आप किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष करो उनके आंसर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप आपको सभी को ये समझ में आया होगा, फिर भी यदि कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप मुझे कमेंट्स में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ की जो भी आपका कमेंट्स होगा उसको क्लियर करेंगे वहाँ पर, ठीक है।